दोस्तों, हम सभी को घूमने फिरने का खूब शौक होता है। ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे जिन्हें घूमना फिरना नहीं पसंद होगा। वेल, दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घूमने के साथ साथ भरपूर एडवेंचर भी पसंद करते हैं, जिसके लिए वो ऐसी ऐसी लोकेशंस चूज करते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। खतरनाक होने के साथ साथ ये लोकेशंस जानलेवा भी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ एडवेंचर एक्सपीरियंस करने जाते रहते हैं। वेल, आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही खतरनाक प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे लोग एडवेंचर के लिए जाते तो हैं, लेकिन उन्हें यहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर आप भी इन प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, केजराक बाउल्डर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस टूरिस्ट स्पॉट की जो नॉर्वे में स्थित है, जो कि केजराक बाउल्डर के नाम से जाना जाता है। आप स्क्रीन पर इस जगह को साफ साफ देख सकते हैं। दरअसल ये जगह एक ऐसी चट्टान है जो दो बड़े बड़े पहाड़ के बीच में अटका हुआ है। पता नहीं लोगों को इस पर चढ़कर फोटो खिंचवाने में क्या आनंद आता है, न सिर्फ देखने में, ये जगह असलियत में भी काफी खतरनाक जगह है और इसे सभी को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जमीन से इसकी ऊंचाई लगभग 3,228 फीट है, जो लगभग 1 किलोमीटर के बराबर तक होता है। तो अब आप तो खुद भी जान ही गए होंगे कि अगर कहीं ये पत्थर गलती से भी इधर उधर हुआ तो इस पे खड़ा हुआ इंसान पहले सीधे नीचे जाएगा और इसके बाद सीधा ऊपर। नंबर 2, व्हाइट लाइन सीडोना। दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो साइकिलिंग की ही होगी, और आप जानते भी होंगे कि साइकिल चलाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर प्लेन जमीन पर चलाना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि आपको पहाड़ों पर साइकिलिंग करनी है, जहाँ पे गलती से भी अगर आपका बैलेंस बिगड़ा तो आपकी लाइफ से टिकट कट हो सकता है। वेल, ऐसे ही एक जगह अमेरिका के एरिजोना में है, जहाँ की व्हाइट लाइन सीडोना पहाड़ पर लोग एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए साइकिलिंग करने जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। यहाँ पर आपका एक गलत कदम भी मौत का सबब बन सकता है। नंबर 3, ट्रोलटुंगा। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस की, जिसकी तस्वीर आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखी भी होगी। ये जगह नॉर्वे में है, जो ट्रोलटुंगा के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। दरअसल दोस्तों, ये एक 1100 मीटर ऊंची चट्टान है, जिसके किनारे बैठकर लोग सेल्फी खिंचवाना बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन इसकी हाइट को देखते हुए ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती से भी कोई गलती हो गई तो आप दिखेंगे भी नहीं कि आप गए कहाँ। नंबर 4, वेलरिका वॉल्केनो। दोस्तों, क्या आपने बंजी जंपिंग देखी है? आपने देखा होगा कि उसमें एक या दो लोगों को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लेके जाया जाता है और फिर रस्सी बांधकर नीचे गिरा दिया जाता है। देखने में ही ये बहुत ही डरावना और खतरनाक लगता है, तो जरा सोचिए कि अगर इसको किसी दहकते वॉल्केनो के ऊपर आजमाया जाए तो क्या होगा। आपको बता दें कि चिली के विलारिका वॉल्केनो के ऊपर ही ऐसा किया जाता है। हेलीकॉप्टर से आपको पहले ही वॉल्केनो के ऊपर लेकर जाएंगे और उसके बाद ऊपर से नीचे गिरा देंगे। आपको बता दें कि इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोग इसे एक्सपीरियंस करने वहां जाते हैं। उनका कहना है कि इसके जरिए वो वॉल्केनो को बेहद ही पास से देख पाते हैं, जिसका मजा ही अलग होता है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि अगर थोड़ी भी भूल चूक हुई तो उनका मजा सजा में बदल जाएगा। ये सब जानते हुए भी कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, कोई दिमाग से हिला हुआ ही होगा जो ये करेगा। नंबर 5, क्लिफ कैंपिंग। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको पहाड़ पे चढ़ने को बोलूं? अगर छोटा मोटा पहाड़ होगा तो आप आसानी से उस पर चढ़ जाओगे, लेकिन अगर वो पहाड़ 1000 किलोमीटर तक ऊंचा हो और एकदम स्ट्रेट हुआ तो? आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जो क्लिफ कैंपिंग के लिए बहुत ही मशहूर हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आकर पहाड़ पे चढ़ते हैं और लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कैंपिंग करते हैं, और दोस्तों वो वहाँ आधे एक घंटे नहीं बल्कि पूरे दिन या रात वहाँ गुजारते हैं और वहाँ सो भी जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि सोते सोते अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो इनका क्या होगा। यहाँ से नज़ारा तो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन नज़ारे के साथ साथ ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। नंबर 6, हुआशान माउंटेन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक जगह की जो चाइना में मौजूद है। इस खतरनाक जगह को हम हुआशान माउंटेन के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि चाइना में मौजूद इस पहाड़ पर लोग हाइकिंग करते हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लोग कितनी कम जगह में लोहे की जंजीर के सहारे इस पर चल रहे हैं, और ये कितना ऊपर भी है। अगर गलती से भी पैर इधर उधर हुआ तो हम सीधे पहले तो नीचे जाएंगे और उसके बाद ऊपर चले जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 2 दिन में एक लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ सिर्फ एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ खतरनाक टूरिस्ट प्लेसेस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।